नागपुर से बीजेपी एमएलए कृष्णा खोपड़े, इन्होंने रिसेंटली कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने अब तक उद्धव ठाकरे जितना बेशर्म, इनकेपेबल और नालायक मुख्यमंत्री नहीं देखा है, तो इनसे जानते कि इन्हें ऐसा क्यों लगता है। सर मुझे बताइए कि व्हाट मेड यू से दिस, आपको ऐसा क्यों लगता है? महाराष्ट्र के अंदर दो साल से शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस की आघाड़ी सरकार बनी है। उस समय से लेकर तो आज तक इनके अधिकांश मंत्री ये भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। किसी के ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चालू है, किसी के ऊपर ईडी की इंक्वायरी चालू है, कोई जेल में गया, कोई जेल में है, और उससे भी ज्यादा नवाब मलिक ये राज्य के राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और उद्धव ठाकरे साहब के इसमें ये कैबिनेट मंत्री है, और इन्होंने तो उससे भी ज्यादा हद पार कर दी। जो दाऊद इब्राहिम, जिन्होंने हिंदुस्तान के हजारों लोगों को आतंकवादियों से मरवाया, अनेक बार भारत में बम ब्लास्ट किए, पाकिस्तान में बैठ के रिमोट कंट्रोल द्वारा हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने लोगों की जाने लिए, इस प्रकार की अनेक घटनाएं अपन अनेक सालों से अपन देखते भी आ रहे हैं। और ऐसे आतंकवादियों से प्रॉपर्टी खरीदना, ऐसे आतंकवादियों के लोगों को समर्थन करना, और दाऊद इब्राहिम जैसा व्यक्ति जिसको बाड़ा साहब के अगर पुराने तुम अगर उनके ट्विटर निकाल के देखे, पुराने अगर उनके भाषण निकाल के देखे, तो उस समय बाड़ा साहब ने भी दाऊद इब्राहिम को जबरदस्त रूप से उस समय किया था, पाकिस्तान को भी के ऊपर भी वार किया था और उनके ऊपर भी वार किया था। लेकिन नवाब मलिक ने तो सभी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उनकी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद। आज जो प्रूव हुआ ना, आतंक ईडी के चौकसी में ये सब चीजें सामने आई है कि ये प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम के परिवार से खरीदी गई है, वो पैसा उनके दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव के इसमें अकाउंट में गया, वहां से और वो पाकिस्तान में ट्रांसफर हुआ, ये सब चौकसी के अंदर स्पष्ट रूप से सामने आया। और इसीलिए इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा देश के अंदर बवाल मचा और ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की। क्या आज वो जेल के अंदर पीसीआर उनका चालू है, और ऐसे होते हुए क्या मंत्रालय का जेल से चलेगा? मंत्रालय जो डिपार्टमेंट उनके पास है जेल से चलने वाला है? उन्होंने तो तत्काल राजीनामा देकर अपनी लड़ाई शुरू करना था। इसी प्रकार का उद्धव ठाकरे जी ने अनिल देशमुख के साथ भी किया था, पवार साहब ने भी इसी प्रकार के वर्षन उस समय किए थे कि हम निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। आखिर अंत में उनको राजीनामा देना पड़ा और 4-5 महीने से आज वो जेल में है। और इसीलिए नवाब मलिक के ऊपर उससे भी ज्यादा भयानक आरोप लगे हैं, डायरेक्ट उनसे डील उनकी हुई है आतंकवादियों से, और उनका राजीनामा न लेना। शरद पवार साहब ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है, और उनके तरफ से बयान आना, उनके प्रवक्ता के रूप में छगन भुजबल जी ने भी बयान दिया, वो भी 2.5-3 साल एक घोटाले के अंदर जेल में थे, और उनके तरफ से छगन भुजबल साहब ने स्टेटमेंट देना कि वो राजीनामा नहीं देंगे मंत्री पद का, क्योंकि वो ये पूर्व जब होगा जब देखेंगे इस प्रकार की भाषा करके इस महाराष्ट्र की 12-12.5 करोड़ जनता के साथ आप विश्वासघात कर रहे हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने कम से कम मुख्यमंत्री महोदय ने अगर बाड़ा साहब के पुराने भाषण अगर दाऊद इब्राहिम और इन लोगों के बारे में अगर सुना होता तो शायद मुख्यमंत्री नवाब मलिक को ताबड़तोड़ बर्खास्त करते। बट क्या आपको लगता है कि किसी के भी बारे में ऐसे स्टेटमेंट देना, आपने स्पेशली आपने चीफ मिनिस्टर के बारे में, आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में आप ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि वो नालायक है या बेशरम है या असक्षम है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे स्टेटमेंट देना सही है? नहीं, आपने शिवसेना के नेताओं की भी स्टेटमेंट आपने देखा होगा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या बोला, देश के गृह मंत्री के बारे में क्या बोला, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में उनके नेताओं ने क्या बोला, और किरीट सोमैया के बारे में 8 दिन जो
आठ दिन पहले जो प्रेस संजय राउत जी ने लिए थे, क्या उनको जूते मारेंगे, चपला मारेंगे, दलाल है, भड़वा है, इसके ऊपर तो किसी से सैनिक ने रिएक्शन नहीं दिया अभी तक। हाँ, जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत भाषा का उपयोग किया जाता, अमित शाह जी के बारे में गलत भाषा का उपयोग किया जाता, उस समय शिवसेना चुप रहती है। उस समय उन्होंने अपने लोगों को बोला नहीं कि इस टाइप का बोलना नहीं चाहिए। मुझे भी उस समय ऐसा, जब हमारा मोर्चा गया और उस समय मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये महाराष्ट्र के राज्य के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री है, ये लाचार मुख्यमंत्री है, और इस प्रकार का मैंने वर्षन निश्चित रूप से लाचार के रूप में मैंने उनका किया। क्योंकि दो साल से जो हम देख रहे हैं, कोरोना महामारी में भी भ्रष्टाचार हुआ, ये भी सब पुरावे किरीट सोमैया जी ने दिया। दो साल से डेवलपमेंट के काम सभी बंद है, सभी विकास के सभी प्रोजेक्ट ठप्प पड़े हुए है, सिर्फ काम चालू है इन आघाड़ी सरकार में। उन्होंने डिक्लेयर कर देना चाहिए ना मैडम, क्या हमने भगवा झंडा छोड़ दिया और अभी हरा झंडा हमने पकड़ा हुआ है। और क्योंकि ये जो चित्र जो दिख रहा है, अब बंबई के अंदर एक नामकरण हुआ, कोई तो भी मुस्लिम क्षेत्र के उनके नाम से नाम क्षेत्र हुआ, तो इन्होंने जाहिर कर देना चाहिए शिवसेना के लोगों ने, क्या हमने अभी भगवा झंडा छोड़ दिया है, हमने अभी हरा झंडा पकड़ा हुआ है। कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तो पॉलिसी यही रहती ना, तुमने हर समय देखा है राष्ट्रवादी और इनकी कांग्रेस की पॉलिसी क्या रहती है, वो बाकी हिंदुत्व को नकारने का काम करते हैं और अल्पसंख्यक को साथ में लेने का काम करते हैं, यही इतिहास उनका रहा और इसी के कारण अनेक सालों से सत्ता पे काबिज बैठी है। बीजेपी एमएलए जो है अतुल भाटकलकर, उन्होंने कहा है कि हम आपके इस कमेंट्स का समर्थन नहीं करते, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको पहले ही कहा है कि शिवसेना के नेताओं ने जो जो कमेंट्स हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री, हमारे राज्य के माजी मुख्यमंत्री, वर्तमान में विरोधी पक्ष नेता और हमारे पार्टी के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी के बारे में जो जो उन्होंने कमेंट्स किया, किरीट सोमैया के बारे में जो जो कमेंट्स किया, वो लोग अगर निकालकर अगर देखे, तो इससे भी भयानक उन्होंने कमेंट्स किया हुआ है। और जब उनको शिवसेना को लगा नहीं क्या कि अपन महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र में वो उनके नेता मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, तो अपन ने देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, होम मिनिस्टर के बारे में इस प्रकार के कमेंट करना, ये अपने को शोभा देता है क्या? दूसरे के ऊपर आरोप लगाना है, ये आसान है। लेकिन उनके उनके जो कमेंट्स हुए है नारायण राणे साहब के बारे में, उन्होंने क्या बोला, आज वो केंद्र में मंत्री है, उनके बारे में भी गलत उन्होंने स्टेटमेंट दिए, तो ये उनको सब लागू होता है। और मैंने यही कहा कि ये दो साल से जो सरकार महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सभी अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार में डूबे, रोज टीवी की बटन दबाओ तो वही दिखता है ना, दूसरा कोई काम ही नहीं दिख रहा। इतने बड़े पैमाने पर ईडी के धाड़ी, सीबीआई सब चालू है उनके पीछे, इतना बड़ा काला धन उनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए ये जो राज्य के मुख्यमंत्री है, और इसीलिए मैंने उनको कहा कि ये राज्य के इतिहास में पहले ये लाचार मुख्यमंत्री इस राज्य को मिले हैं, जो निर्णय लेने में उनकी क्षमता नहीं है, और क्योंकि जिस प्रकार का राज्य का शासन चल रहा है, ये उस तरीके से बरोबर नहीं। बीजेपी ने हमेशा ये मेंटेन किया है कि वो एक बहुत ही कल्चर्ड पार्टी है, तो जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप कभी पार्टी को एक टाइट स्पॉट में डाल रहे हैं, मुश्किल में डाल रहे हैं? ऐसा है, उस समय नवाब मलिक जी का विषय बहुत ताजा था, नवाब मलिक जी को पुलिस ने सवेरे अरेस्ट किया, बाद में 8 घंटे चौकसी हुई, सब पुरावे उनके सामने आए, बाद में न्यायालय में मामला गया, न्यायालय ने रात को उनको 3 तारीख तक पीसीआर उनको दिया, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का गुनाह दाखिल हो, क्योंकि ये देशद्रोही पेक्षा उससे भी ज्यादा बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि आतंकवादियों से प्रॉपर्टी खरीदना ये देशद्रोह से भी ज्यादा बहुत बड़ा गुनाह है, और उनका देशद्रोह का गुनाह है, और इसीलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुनाह दाखिल होना चाहिए, और इसीलिए हम संबंधित पुलिस स्टेशन के अंदर हमने उसमें तकरार हमने दाखिल किया, और निश्चित रूप से नवाब मलिक जी के ऊपर ये गुनाह दाखिल होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग थी। नवाब मलिक
को बेसिकली जेल इसलिए हुई, ईडी की इंक्वायरी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने बीच में एनसीबी के बारे में जो भी कहा था, समीर वानखेड़े के बारे में कहा था, तो ये बेसिकली ये उसका एक सजा है. दिस इज व्हाट अ सर्टेन सेक्शन इज सेइंग. नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो भी एजेंसियां रहती है, केंद्र सरकार की हो क्या राज्य सरकार की हो, वो किसी के स्टेटमेंट से, किसी के कहने के ऊपर कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं करती और किसी को परेशान नहीं करती. जब तक उनके पास पुरावे नहीं आते, जब तक उनके पास सबूत नहीं आते, और नवाब मलिक जी के सबूत जुटाते उनको डेढ़ दो साल लग गए ना, जुटाते सबूत कोई आज क्या थोड़ी उनको अरेस्ट किया गया. अनेक दिनों से ये मामला चालू था, अनेक दिनों से उनके चौकसी शुरू होती है, और चौकसी कोई भी एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल की हो क्या राज्य की हो, वो कोई किसी के कहने के ऊपर इंक्वायरी थोड़ी करती है. जो पुरावे के साथ मिले और उसके हिसाब से उन्होंने कार्रवाई किया होगा. जो आपने अभी उद्धव ठाकरे के बारे में कहा, तो यू मेंटेन दैट, मतलब आपको, आप अभी भी अग्री करते हैं कि आपने जो कहा वो सही कहा, यू शुड नॉट हैव सेड दैट, आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं नहीं, मैंने जो कहा कि लाचार मुख्यमंत्री का वापर किया मैंने, और ठीक है बोलने में थोड़ा फार ये हुआ होगा, लेकिन मेरा बोलने का अर्थ वही था कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहले लाचार मुख्यमंत्री मिले राज्य को, और जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, और लगातार दो साल से जो प्रकरण इस राज्य के अंदर घट रहे, बलात्कार घट रहे, महिलाओं से छेड़खानी हो रही है, कई मंत्रियों ने राजीनामा उसके खिलाफ दिया हुआ है, आज भी एक मंत्री के कैबिनेट में उनके शामिल है, इस प्रकार की घटनाएं होने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री महोदय एक्शन नहीं लेते होंगे तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है. नहीं, पर आपने कहा कि बेशरम, नालायक और असक्षम मुख्यमंत्री है. नहीं, असक्षम और लाचार. आज दो साल के अंदर क्या हो रहा है इस राज्य के अंदर? दो साल में हुआ क्या? एक आधा कोई बताए तो सही, एक आधा कोई प्रोजेक्ट बताए, या उनके मंत्री आपने ये भी कहा कि वो नालायक है. नहीं नहीं, मेरा उनको उनसे बोलने का ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन मेरा हुआ होगा, लेकिन मैंने लाचार शब्द के ऊपर ही ज्यादा जोर दिया कि महाराष्ट्र के इतिहास में ये पहले लाचार मुख्यमंत्री मिले, और इसीलिए बाकी के पार्टियों के नेता उनके ऊपर आज हावी हो रहे हैं. ये जो हो रहे हैं ना, ये बाकी के पार्टियों के नेता ये हावी हो रहे हैं, और इसीलिए मैंने लाचार शब्द का उपयोग किया. अब उस समय जो भी आप ये कहना चाहते हैं कि आपने नालायक या बेशरम वर्ड, इन ऐसे वर्ड यूज नहीं किए. नहीं नहीं, उस समय मैं आपको बारंबार बोल रहा हूँ, मेरा बारंबार वही कहना है, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का मैं भी आमदार हूँ, और मुझे भी ये सब चीजें समझती है, लेकिन हम जो दो साल से जो परिस्थितियां देख रहे हैं, जो दो साल से राज्य का शासन कैसे चल रहा है, और राज्य के शासन में किस प्रकार के वातावरण निर्माण हुआ है, राज्य की जनता कैसी परेशान है, पहली जनता कोरोना से परेशान है, कोरोना में भी भ्रष्टाचार के सबूत तुम्हारे सामने आए हैं, और उसके बाद अनेक प्रकार की घटनाएं इस राज्य के अंदर घटी हुई है, और इस प्रकार की जब घटनाएं घटती तो मुख्यमंत्री महोदय जी ने ताबड़तोब एक्शन लेने की आवश्यकता है. जब तक एक्शन लेंगे नहीं, और एक्शन लेने के लिए आपात बैठक शरद पवार साहब अपने बंगले के ऊपर बुलाते, उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ पर जाके उनसे चर्चा करते, और उसके बाद उनका एक मंत्री आके प्रेस में बोलता है क्या भाई नवाब मलिक राजीनामा देंगे, तो ये कहा कि नैतिकता है. नहीं, आप मुझे बस, मेरा यही आखिरी सवाल है आपसे, कि आप मुझे बस यस और नो में बताइए कि आपने उनको बेशरम और नालायक कहा या नहीं, बस यस और नो में. वो शब्द के ऊपर मेरा कंफ्यूजन हुआ है, बाकी पर आपने कहा है. मेरा, मैं बोला ना, हमको बोलना, मैंने लाचार शब्द के उपयोग पे ही ज्यादा भर दिया कि मुख्यमंत्री इनके दबाव में है और लाचारी से काम कर रहे हैं, और इसलिए बोलने के इसमें मैंने जो कुछ भी उसका उपयोग किया उसका मुझे भी अच्छा नहीं लगा,
क्या मैंने बाद में जब देखा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उस समय का वातावरण, उस समय की सब चीजें जब सामने थी तो मैंने ज्यादा से ज्यादा भर लाचार मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देने का प्रयास किया, लेकिन वो शब्द जो निकला उसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सब्सक्राइब टू नेशन नेक्स्ट YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम नेशन नेक्स्ट। Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.